उस बड़े कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्होंने इसी स्वर को पिछले कुछ वर्षों में आकाश तक ले जाने का कार्य किया है। जब हम वर्दियों के बारे में बात सुने, हम आदरणीय हरिओम पवार जी के स्वर को सुने, हम बाबा का उद्बोधन सुने, तो चार पंक्तियों के साथ एक संकल्प हमारे भीतर गुंजित होना चाहिए और वो यों गुंजित होना चाहिए कि सच कहते हैं आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे। मैं भाई दिनेश रघुवंशी को बुला रहा हूँ, इन चार पंक्तियों के साथ पूरा सदन एक बार भरपूर समर्थन से उन्हें आवाज़ दे और इस संकल्प में मेरे साथ शामिल हो। आज के इस उत्सव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर हम सब ये एक संकल्प अपने मन में लें कि सच कहते हैं आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे, वीर शहीदों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है भारत माँ की इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे। मैं चाहूँगा कि एक बार भरपूर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उस बड़े कवि को आमंत्रित करें जिन्होंने इस स्वर को आकाश दिया है, जिन्होंने माँ जैसे विषय पर हजारों मुक्तक लिखे हैं, पिता के बारे में लिखा है, बेटियों के बारे में लिखा है, जो इन दिनों रिश्ते हुए रिश्तों के कवि कहे जाते हैं, उनका नाम भाई दिनेश रघुवंशी होता है, फरीदाबाद से हमारे मध्य उपस्थित। हमेशा प्रवीण भाई तन गए आगे जो तोपों के दहानों के, कोई कीमत नहीं होती है प्राणों की जवानों के। मन था बाबा के सामने पढ़ने का। कोई कीमत नहीं होती है प्राणों की जवानों के, बड़े लोगों की औलादें तो कैंडल मार्च करती हैं। वाह वाह। बड़े लोगों की औलादें तो कैंडल मार्च करती हैं, जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों के। क्या बात है, क्या बात है दिनेश वाह भैया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। चार पंक्ति और पढ़ता हूं। किसानों की तबाही पर मुनाफा खोर पन पे है। बहुत अच्छे, थोड़ा समर्थन कर दीजिए एक बार जोड़कर, तो मुझे लगे माहौल बना हुआ मेरे लिए। बहुत अच्छे दिनेश भाई, वाह। किसानों की तबाही पर मुनाफा खोर पन पे है, जमाखोरी जो करते हैं वो चारों ओर पन पे है। आपका समर्थन इस बार चाहिए। जमाखोरी जो करते हैं वो चारों ओर पन पे हैं, हुए आजाद हम जब से हमारे देश में तब से, सियासी लोग पन पे हैं या केवल चोर पन पे हैं। एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूं, बिल्कुल नया है, आपका समर्थन मिले सुनिएगा और सभी का साथ मिले इस बार सुनिएगा। बहुत अच्छे दिनेश भाई। सुनाई अब नहीं देगा कभी स्वर वीर सैनिक का, सुनाई अब नहीं देगा कभी स्वर वीर सैनिक का, किसी तीर्थ सरीखा हो गया घर वीर सैनिक का। बहुत अच्छे भाई। बहुत अफसोस होता है कोई अब क्यों नहीं कहता, वाह 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 वाह, चलो चल कर के ले आए कटासर वीर सैनिक का। चलो चल कर के ले आए। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। आप यात्रा करें तो मन से करना। वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको, है तन में सांस जब तक भी तिरंगे है कसम तेरी, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको।
समर्थन यहां से वहां तक चाहिए था इस बार। है तन में सांस जब तक भी तिरंगे है कसम तेरी, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको। मातृशक्ति के लिए एक मुक्तक सुनिएगा। मिटा पर मातृभू की पीर हर आया सलामी दो, सुनिएगा। मिटा पर मातृभू की पीर हर आया सलामी दो, वो अपने पूर्ण सारे फर्ज कराया सलामी दो, वो अपने पूर्ण सारे फर्ज कराया सलामी दो। नमन उस वीर माता को पति से गर्व से बोली, तिरंगे में लिपट कर लाल घर आया सलामी दो। अगर गैरत है तो सरहद के रखवालों से भी पूछो, वतन जिनके लिए सब कुछ है मतवालों से भी पूछो। अगर कश्मीर में जनमत कराना चाहते हो तो वहां कुर्बान हर सैनिक के घर वालों से भी पूछो। जय हो, जोरदार तालियां। अगर कश्मीर में जनमत कराना चाहते हो तो वहां कुर्बान हर सैनिक के घर वालों से भी पूछो। अगर वर्दी जो अपनी शौर्य अनुभूति समझ लेगी, बहुत ही बढ़िया है, वाह वाह। विदाई देनी है आपको, मैंने सच बोलने का यदि अपना फर्ज पूरा किया है तो विदाई समर्थन के साथ मिले। अगर वर्दी जो अपनी शौर्य अनुभूति समझ लेगी तो फिर ये राजनीति उसकी मजबूती समझ लेगी, तो फिर ये राजनीति उसकी मजबूती समझ लेगी। अगर खाकी यूं ही झुकती रही खादी के चरणों में तो फिर खादी ही उसे बस पैर की जूती समझ लेगी। बहुत बहुत आपको प्रणाम। जो समय मिला बहुत थोड़ा सा, कोशिश की आप तक पहुंचने की, बहुत बहुत प्रणाम आप सबको, नमस्कार, धन्यवाद।